गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, बेटा टेक आउट योर सोशल बुक, ओपन लेसन 10, द टुंड्रा रीजन, टेक आउट फास्ट, ओके रेडी, ओके नाउ बेटा टुंड्रा रीजन, व्हाट इज टुंड्रा रीजन, वेयर इट इज टुंड्रा रीजन, लेट्स स्टडी. नाउ लुक एट द बुक. इट इज टेलिंग दैट टुंड्रा रीजन इज अ फ्रिजिड जोन ऑफ द अर्थ. टुंड्रा रीजन इज अ फ्रिजिड जोन, मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे कि एकदम फ्रिज की तरह टेम्परेचर है, ठंडा जमा हुआ. फ्रिज्ड मीन्स जमा हुआ टेम्परेचर है अर्थ का ये, या जमा हुआ जोन है अर्थ का ये. बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा हवा ठंडी यहाँ पे चलती है. जितना ठंडी अभी है ना, इससे कई हज़ार गुना ठंडा यहाँ पे रहता है. ठीक, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी तो है ही नहीं. ठीक है, और बता रहा है कि यहाँ पे जो है कि इस रीज़न में कहाँ ये पड़ता है. बता रहा है बेसिकली ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में पड़ता है. आर्कटिक सर्कल एकदम ऊपर है आपका, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, और नॉर्थ पोल आपके जानते हैं 90 डिग्री है. और नीचे भी पड़ता है ये अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में. ठीक, ये दोनों जोन जो है वो फ्रिजिड जोन कहा भी जाता है, और ये दोनों जोन में आपका टुंड्रा रीजन आता है ऊपर नीचे. ठीक है, अब इस रीजन में क्या है, ये कवर्ड विथ आइस थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पे जमा ही रहता है, बर्फ़ ही रहता है. दो ही मेन सीज़न है, विंटर और समर. अभी ये समझ लीजिए कि विंटर तो बहुत लंबा होता है यहाँ पे, बहुत हार्श होता है, बहुत डार्क होता है, एकदम मतलब जैसे सूरज निकलता ही नहीं है, समझ लो एक तरीके से. यहाँ पे टेम्परेचर -28 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है ये यहाँ का, -28 डिग्री विंटर में. मतलब नॉर्मली -28 डिग्री रहता ही रहता है, उससे बहुत ज़्यादा भी चला जाता है और थोड़ा बहुत 28 से कम भी चला जाता है, -28 से. समर की बात करें तो समर थोड़ा छोटा होता है, बहुत कम दिनों का समर होता है यहाँ पे, और बता रहा है कि ये थोड़ा सा गर्मी ले आता है, बहुत थोड़ा सा. ठीक है, और रिसीव्स लेस रेनफॉल, बहुत थोड़ी सी रेनफॉल उसी समय हो जाती है. और इसीलिए इसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्फ ढकी रहती है. जैसे रेगिस्तान में रेत ढकी रहती है, वैसे यहाँ पे बर्फ से पूरा ढका रहता है. ठीक, वेजिटेशन की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ये ट्रीलेस कंट्री है, यहाँ पे ट्री वगैरह है ही नहीं, मतलब ट्रीलेस प्लेस है जहाँ पे ट्रीज है ही नहीं, वेजिटेशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत लिटिल वेजिटेशन है यहाँ पे. सॉयल तो हमेशा जमे ही रहते हैं, फ्रोजन रहते हैं, और वेजिटेशन जो है वो क्या है, निल, ज़ीरो. ठीक, समर के समय जब थोड़ा गर्मी, हल्का सा गर्मी जो वो कह रहे हैं आती है, तो भाई थोड़ा सॉयल वगैरह जब मेल्ट होते हैं, जब थोड़ा सा मतलब अर्थ क्रस्ट थोड़ी ढीली होती है, तो यहाँ पे लेंचीज, काउबेरीज, ब्लैकबेरीज, इस तरह के जो है पौधे मतलब ग्रो करते हैं. इस तरह का जो है कि यहाँ पे फ्रूट्स हमको देखने को मिलते हैं. ट्रीज़ जो फाउंड मिलते हैं यहाँ पे, वो डार्फ ट्रीज, नाटे नाटे छोटे छोटे होते हैं, डार्फ विलो ट्रीज उसको कहते हैं, विलो ट्रीज कहते हैं उसको. बहुत कम ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं, गिने चुने. ठीक, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो चूंकि कोल्ड बहुत ज़्यादा है, इसे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी नहीं है, बहुत कम ही जानवर यहाँ सर्वाइव कर पाते हैं. जैसे कि बता रहा है रेनडियर हो गया, कार्बियस हो गया, पोलर बियर हो गया. ठीक है, इस तरह के ही जानवर यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं. पोलर बियर के लिए जैसे अब भाई वो लोग भी सर्वाइव कर नहीं पाते, वो लोग भी सर्वाइवल लायक बन गए हैं धीरे धीरे, वहाँ रहते रहते उनकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर ली उस टेम्परेचर को. जैसे कि पोलर बियर की अगर बात किया जाए, तो उसका जो थिक फैट होता है ना, जो मोटा चमड़ी होता है, बहुत मोटा होता है पोलर बियर, उसका थिक फैट उसको प्रोटेक्ट करता है कि कोल्ड उसके अंदर बॉडी में ना जाए और जो है उसको बहुत ठंड ना लगे. इस तरह से उसने अपने इस वेदर को, इस जो हार्श वेदर है उसको अडॉप्ट किया है. जो भी ऐसे जानवर जो जिनका फर थिक है, वही वहाँ पर रह पाते हैं, जिनके ऊपर फर स्ट्रक्चर है. जैसे कि सील है, सील इसकी मतलब प्राइमरी वो है, क्या कहते हैं, फूड भी है. पोलर बियर सबसे ज़्यादा सील खाता है. ठीक है, वो भी बहुत मोटी होती है, और उसके दांत जो होते हैं वो उसको बर्फ़ में गड़ा के चलने में मदद करते हैं, और फिर जो है कि पैर उसको सरक भी जाती है. ठीक, बता रहा है कि उसके वेब फीट होते हैं जो कि स्विम करने में उसको लॉन्गर ड्यूरेशन स्विम करने में हेल्प करते हैं. और बहुत सारे अदर एनिमल्स जो भी यहाँ पे रहते हैं, कुछ अदर एनिमल्स भी धीरे धीरे कंडीशन को अडॉप्ट किए हैं, उनको भी अडॉप्ट करना पड़ा है. ठीक है, जो भी रहते हैं वो बहुत, उनका फैट बहुत मोटा होता है, थिक कोट फर होता है उनका, जो कि उनको गार्ड करता है इतनी ठंड से. बात समझ में आ रही है. उसके बाद आप देखिए
बता रहा है कि जो अंडर वाटर वेजिटेशन है वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन खैर बहुत बर्ड्स यहाँ पे, सॉरी अंडर वाटर की बात तो नहीं है ये, बर्ड्स यहाँ पे बहुत मेजॉरिटी ऑफ मिलती हैं, वेराइटीज़ ऑफ मिलती हैं, लेकिन वो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, समर के महीने में यहाँ आ जाती हैं और विंटर के महीने में यहाँ से माइग्रेट कर देती हैं। ठीक, वेराइटी ऑफ फिशेज बहुत हैं, वेल, सील, ठीक है, इस तरह की एक्वाटिक लाइफ यहाँ का डेंस है। ठीक है, जमीन पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं, काफ़ी हैं। ह्यूमन लाइफ की अगर बात करें तो ह्यूमन का तो रहना नियरली इम्पॉसिबल है, कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमन्स रहते हैं, लेकिन सब मिला जुला के 1 लाख से ज़्यादा ह्यूमन्स वहाँ पे नहीं सर्वाइव करते हैं। और वो सारे के सारे स्कीमोज होते हैं, मतलब वन प्लेस टू अनदर मूव करने वाले होते हैं वो लोग। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्वेश्चन आंसर में भी वो लिखवाए गए हैं आपको, जैसे लैप्सिस ऑफ स्कैंडिनेविया और आपका ये साइबेरिया में कुछ लोग, या कुछ ऑफ लेंसाबेनिया, ये सारे इस तरह के लोग यहाँ पे कुछ लोग मतलब रहते हैं जो कि स्कीमोज हैं, जो कि वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते हैं हमेशा। इसके बाद लास्टली आपका आता है बेटा कि जो नोमेडिक लाइफ है वो कैसी है, तो बता रहा है कि फूड और लिवलीहुड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हंटिंग ही इनका मेन ऑक्यूपेशन है, हंटिंग करते हैं वही खाते हैं, क्योंकि भाई कुछ उगता तो है नहीं, इरीगेशन एग्रीकल्चर तो वहाँ होता नहीं है। अच्छा, इग्लू में रहते हैं लोग, इग्लू जानते ही हो क्या होता है, हाउस मेड अप ऑफ स्नो, इसी को इग्लू कहते हैं, इग्लू में रहते हैं ये लोग। उसके बाद बता रहा है कि आज चूँकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा आ गया है कि इसने कुछ यहाँ का इनहेबिटेंट्स को चेंज किया है, और हंटिंग ऑफ पोलर बियर, फिशिंग ऑफ सील, ठीक है, और ये सब जो है कि यहाँ आजकल एक इंडस्ट्री का शेप लेते चला जा रहा है, एक बहुत बड़ी हब बनती जा रही है जहाँ पे कि ये सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं। यही आपके चैप्टर में था, छोटा सा चैप्टर था, इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, यही आज का होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू।